जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ करवा चौथ की कथा सुनने मंदिर में, तो आप सब भी मेरे साथ चलिए वहाँ कथा सुनने। करवा माता आप सभी के जीवन में सुख और सौभाग्य प्रदान करें, ऐसी मेरी करवा माता से प्रार्थना है। जब मैं मंदिर पहुंची तो जो पहले से आई हुई महिलाएं थीं वो कथा सुन रही थीं और उनकी कथा का समापन था। समापन के समय आपस में वो थाली फेर रही थी एक दूसरे से, जैसे थाली बदलते हैं, किसी किसी के यहाँ लोटा भी बदलते हैं, तो ऐसे ही वो थाली बदल रही थी। वैसे हमारे यहाँ पर थाली नहीं बदली जाती है, हमारे यहाँ तो एक लोटा ले लेते हैं और गेहूँ से या चावल के दानों से भरी एक कटोरी ले लेते हैं, उसमें जो भी हमें दक्षिणा देनी हो पंडित जी को वो दक्षिणा रख के, और हम लोग हाथ में गेहूँ के दाने लेके कथा सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक इन लोगों की कथा का समापन होगा तब तक मैं शिव भगवान की पूजा कर लूँ। कहते हैं इस दिन गणेश भगवान और माता गौरा और शिव भगवान की पूजा की जाती है, तो मैंने भी गणेश भगवान को, माता पार्वती को, शिव भगवान को जल अर्पण किया, उनकी पूजा अर्चना करी। जितना भी शिव जो भी शिव परिवार था उन सब की पूजा करी और भी देवी देवताओं की पूजा करी, पर विशेष रूप से इस दिन जो है माता पार्वती और भोले भंडारी जी की पूजा की जाती है। आप सब ने करवा चौथ वाले दिन गणेश भगवान और एक साहूकार और उसकी 7 बहुएं थी, 1 बेटी थी, ये वाली कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। वैसे इस दिन कहा जाता है कि करवा माता की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये मालूम नहीं होगा कि करवा माता कौन है। हमें भी नहीं मालूम था, ऐसे ही बताया जाता था जब हम छोटे थे कि करवा चौथ माता की पूजा की जाती है। अब मैं सोचती थी कि करवा चौथ माता कौन होती है, देवी माता, काली माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता, ये जो देवियाँ हैं इनकी तो बारे में मैंने सुना है, लेकिन करवा चौथ माता कौन होती है ये मुझे भी नहीं पता था। जब बड़े हुए तब ये जाना। पूरी कथा तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया। करवा माता जो है तुंग भद्रा नदी के किनारे पर रहती थी, तो वो करवा चौथ की जो गणेश भगवान की चतुर्थी आती है इसकी हमेशा पूजा किया करती थी, इस दिन व्रत रखती थी। तो एक बार की बात है कि वो अपने पति के साथ नदी में स्नान के लिए गई तो उनके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। जब उनके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उनका पति बहुत घबरा गए और वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी करवा की को आवाज़ लगाने लगे, करवा करवा ऐसे कह के शोर मचाने लगे। तो करवा माता वहाँ पर आई और करवा माता ने एक कच्चे सूत का धागा उन्हें मिला, उसी से मगरमच्छ को जो था बांध दिया उन्होंने। लेकिन उनके बांधने के बाद भी मगरमच्छ उनका पैर नहीं छोड़ रहा था, उन्हें निगले जा रहा था। तो उन्होंने यमराज को बुलाया और यमराज से कहा कि मेरे पति को इसी समय जीवन दान दो और इस मगरमच्छ को जो है आप जो है मृत्यु दो। तो यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आपके पति की आयु तो समाप्त हो गई है और जो मगरमच्छ है उसकी आयु अभी है, शेष है। तो करवा माता ने कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अब श्राप के डर के मारे जो है यमराज को जो है
शाप से डर के यमराज ने जो है मगरमच्छ को तो मृत्यु दंड दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। तो करवा माता जो भी अपने गणेश भगवान की पूजा करती थी, चतुर्थी का व्रत रखती थी, उसके पूजा के प्रभाव से उनके अंदर इतना बल आ गया, इतनी शक्ति आ गई, इतना सामर्थ्य आ गया कि वो अपने पति को यमराज के मुँह से भी, मौत के मुँह से भी, मृत्यु के मुँह से भी वापस लेकर आ गई। तभी से इस गणेश चतुर्थी को करवा चौथ कहने लगे और इस तरह से करवा चौथ माता की पूजा होने लगी कि हे माता, जैसे आपके ने अपने पति को जीवन दान दिया, इसी तरह हमारे भी पति को जीवन दान दो, एक लंबी आयु दो, हमें सुख और सौभाग्य प्रदान करो। कथा सुनने के बाद मैं घर आई, तब तक फिर घर पे आके घर का काम करा। उसके बाद थोड़ी देर बाद चंद्रमा निकल गया। अब की बार चंद्रमा बहुत जल्दी निकल गया था। सबसे पहले मैंने चंद्रमा को हाथ जोड़े, उनसे क्षमा मांगी, उनसे प्रार्थना करी पहले, और फिर उनसे क्षमा मांगी कि आज के व्रत में जो भी कोई मुझसे त्रुटि हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। छलनी में मैंने चांद को देखा और उसके बाद अपने पति को देखा छलनी के अंदर ही। और ये मैंने चंद्रमा को जो है तिलक कराया है रोली से, चावल से और फूलों से, और उनकी आरती उतारी। ऐसा कहते हैं कि आप कोई भी पूजा करें, व्रत करें, तो उसको व्रत को करने के बाद जब भी आप देवी देवता के समक्ष आपकी जो पूजा समाप्त हो तो उसके बाद जो है आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो मैंने भी चंद्र देवता से क्षमा मांगी और फिर नीचे आके अपनी जो बाकी की पूजा थी उसका समापन करा और माँ करवा के पैर छुए और उनसे क्षमा याचना करी, और उनको उन्होंने जो हमारे इस व्रत को पूर्ण कराया उसके लिए उन्हें धन्यवाद करा। इस तरीके से जो है हमारी करवा चौथ की पूजा का समापन हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।